लगभग लगभग कम से कम 57% वोट पोल हुए हैं। इसका कारण ये भी हुआ है कि लोग जो है भरमित भी। कौन सा सेंटर है सर? ये सादुल्ला नगर। सादुल्ला नगर सर कितना टाइम यानी 5:30 लोगों को कोई समस्या? समस्या तो नहीं फिलहाल, लेकिन लाइट आना जाना। ईवीएम में कोई खराबी नहीं? अधिकतम कितना होगा? मत प्रतिशत जो है अब आप समझ लीजिए कि 45। इतना शांति से वोट जो है अभी पहली बार पड़ा है जी, यानी अधिकारियों ने भी यहाँ दौड़ा। हाँ, सब बहुत सारे खड़े बहुत कट गए हैं। इसमें भी मैं कहूँगा कि अधिकारियों कर्मचारियों की भी कमी है और मतदाताओं की जागरूक। अब परिवर्तन इस बार होगा? हाँ, वोट डाला सर आपने? ज़्यादा वोट डालने सर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया इस बार आप? कौन सा सेंटर है सर? ये सादुल्ला नगर। सादुल्ला नगर सर कितना टाइम यानी 5:30 हो रहा है? कितना हो रहा है? 5:40 जी। अब तक कितना मत प्रतिशत जो है हुआ? ये इस समय हमारे यहाँ पड़ गया 45.75%। सर आप लोगों को कोई दिक्कत कोई समस्या सुबह से लेकर अब तक घर में? नहीं। लाइट कितनी बार गई सर? लाइट बीच में गई है एक दो बार। ईवीएम में कोई खराबी? नहीं कोई जी। कौन सा सेंटर है सर? ये 452 प्राइमरी पाठशाला। सुबह से लेकर अब तक जी भर में लाइट कितनी बार गई? लाइट तो कई बार आना जाना लाइट कटी। इससे आप लोगों को कोई समस्या? समस्या तो नहीं फिलहाल, लेकिन लाइट आना जाना। ईवीएम में कोई खराबी? नहीं। अधिकारियों ने दौरा किया? नहीं। कितनी बार आए थे अधिकारी यहाँ दौरा करने? से सेक्टर मजिस्ट्रेट हुए? सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब एक बार दो बार आए थे जी। अच्छा ये बताइए कितना प्रतिशत हुआ होगा मत? मत जो है वो 289 कुल मत 680 में से 289 पड़े जी। सादुल्ला नगर का प्राइमरी पाठशाला सादुल्ला नगर पश्चिमी भाग है जी। 453 नंबर है हमारा जी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और वोटर भी बहुत शांत प्रिय थे, किसी प्रकार की कोई समस्या। मत प्रतिशत कितना होगा? मत प्रतिशत जो है अब आप समझ लीजिए कि 45 से अब नहीं जा रहा है जी। यानी लोगों में एक जागरूकता के साथ कमी थी कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं, लोगों के जागरूकता के हम तो सीधे कहेंगे कि भाई एक तो मौसम की मार भी है, कुछ गर्मी बहुत भयंकर है और लोगों की उदासीनता भी रही होगी उनके आगे कर सकते जो कि उन सरकारी कर्मचारी हैं तो भी एक सीमा में बने हैं। ओके थैंक यू। ओके किस पार्टी के एजेंट हैं आप? गठबंधन के या बीजेपी के? अरे हम तो डमी के। अच्छा डमी कैंडिडेट के। क्या व्यवस्थाएं रही हैं अब तक? बहुत अच्छी व्यवस्था, शांति व्यवस्था थी बहुत अच्छी। क्यों भाई साहब आप किस पार्टी से हैं? बीजेपी। ये मुझे बताइए किसी तरह अति संवेदनशील में आता है? बहुत ऐसा पहली बार इतना शांति से वोट जो है अभी पहली बार पड़ा है जी। यानी अधिकारियों ने भी यहाँ दौड़ा? हाँ सब बहुत सारे खड़े दौड़ गए, बहुत शांति पूर्वक जो है। खाने पीने के लिए आपको सारी व्यवस्था एकदम जो है बहुत बढ़िया थी खाने पीने के लिए? तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं का जो इस कड़क धूप में इतने चिलचिलाती हुई धूप में आप लोगों ने हर बूथ का कवरिंग किया। मत प्रतिशत इसलिए कम हुआ कि इतनी तगड़ी धूप थी कि लोग घर से निकलना मुश्किल था, फिर भी जो है हम कार्यकर्ताओं की तरफ से और क्षेत्र के लोगों कार्यकर्ताओं की तरफ से मत दिलाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और इस प्रयास का परिणाम हमारे सादुल्ला नगर में प्राइमरी पाठशाला में 5 बूथ हैं, लगभग लगभग कम से कम 57% वोट पोल हुए हैं। इसका कारण ये भी हुआ है कि लोग जो है भ्रमित भी थे और वोटर लिस्ट हमारी हमारे खास करके क्या लगभग सभी जगह के ये बीएलओ की कमी की वजह से वोटर लिस्ट बहुत ही गड़बड़ था, मतलब वो अपने मत को ढूंढ नहीं पाते थे, बीएलओ की लापरवाही थी। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा, चुनाव आयोग से निवेदन भी करूँगा कि अगली बार 2022 का चुनाव हो या पंचायत चुनाव 2020 में आ रहा है, ज़्यादा से मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि वोटर लिस्ट सही हो, वोटर लिस्ट सही होगा तभी मतदान का प्रतिशत ज़्यादा होगा, क्योंकि आते हैं और लौट जाते हैं, किसी के पास आधार नहीं था, किसी के पास पहचान पत्र नहीं था, इसी के नाते से वोट प्रतिशत कम हुआ। नहीं एक तो मतदाताओं में जागरूकता का अभाव है जी, और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारे मत कट गए हैं। इसमें भी मैं कहूँगा कि अधिकारियों कर्मचारियों की भी कमी है और मतदाताओं की जागरूकता की भी कमी है कि वो समय से
चेते नहीं, अपना वो देख नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे वोट कटे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं डिलीट कर मार दिया गया है, वो हमेशा मतदान करते रहे। चीज़ तो प्रशंसनीय है कि बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रहा, इसके लिए बधाई है शासन प्रशासन को। इसलिए क्या है कि बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इसके वजह से हम चाहते हैं कि चेंज हो, नई चीज़ आए। जी जी, तो क्या मतलब परिवर्तन इस बार होगा? हाँ, वोट डाला सर आपने? ज़्यादा वोट डालने सर, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया इस बार आपने? थोड़ा देख बोलिएगा। भ्रष्टाचार, महंगाई, रसोई गैस की महंगाई, डीजल पेट्रोल। जी जी, तो निज़ाम बदलेगा सर? उम्मीद तो है।